मित्रों, एक तो देखिए, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि मैं इन चीज़ों का कोई विशेषज्ञ नहीं, तो जो कुछ कहूँगा वो एक प्रस्ताव के रूप में समझिए, मेरे निजी विचारों के रूप में समझिए, क्योंकि बाकी जो कुछ भी आपको प्रविधि इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो एक अलग फ्रेमवर्क में बना हुआ होगा वो आप लोग लेंगे ही, तो मैं उस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपनी बात कहने नहीं जा रहा। मैं जो स्वयं सोचता रहा हूँ उस बारे में वो आपसे बांटना चाहता हूँ, और अगर उसमें कुछ चीज़ आ जाएगी जो विचार किया गया और लोगों के द्वारा, वो भी शायद। एक तो मुझे ये बात ही बहुत थोड़ी विडम्बनापूर्ण लगती है कि हम सामाजिक विज्ञानों के दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जितने भी हैं वे मूलतः किसी न किसी प्रकार का दर्शन ही है, क्योंकि वे समाज के बारे में उन मूल सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर दर्शन के भी अपने सवाल रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि हम आज नए सिरे से उनके दर्शन की बात सोचने के लिए विवश हुए? शायद इसके पीछे कारण यह रहा होगा कि हमने एक विज्ञान शब्द उनके साथ में जोड़ दिया है। ये भी एक विडंबना है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जो अधूरी भी हो सकती है लेकिन जितनी भी है, अगर वो गलत है तो आप में से कोई या दूसरे विद्वत जन यहाँ बैठे हैं वो उसको सही करेंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, कम से कम 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के शुरू तक बल्कि कह सकता हूँ, जिन्हें हम आजकल विज्ञान कहते हैं उन्हें नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था, उनके लिए विज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, उन्हें नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था, यानी प्राकृतिक दर्शन। और शायद उसकी वजह यह थी कि उस दौर तक दर्शन ही केंद्रीय ज्ञान था, जिससे और सारे ज्ञानों की धाराएं फूटती थीं या उसकी कसौटी पर उसको कसा जाता था। बल्कि 1833 में एक पहली बार शायद ये शब्द इस्तेमाल किया गया, इसको साइंटिस्ट कहा गया। ये साइंटिस्ट शब्द का इस्तेमाल जिस अर्थ में हम आजकल करते हैं वो 1833 में पहली बार वीवेल ने किया। वीवेल नाम के लेखक थे, उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के इतिहास में जब जाते हैं तो ये पता चलता है। और दूसरा, बेबेज ने 1851 में ये कहा कि हमारी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, कोई एक शब्द नहीं है जो खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विद या उनको जानने वाले लोग, भूगर्भ शास्त्री, इन सब के लिए कोई एक शब्द नहीं। आज तो हम कहते थे ये सब साइंटिस्ट हैं, और उनका तब तक इन सब के लिए कोई एक शब्द हमारे पास नहीं है, और ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं, और इनका जो ज्ञान है वो नेचुरल फिलोसफी के रूप में है। तो मुझे लगता है कि क्या हुआ, अचानक पिछले 150 सालों में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक भी शायद हम सामाजिक विज्ञानों के लिए राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र, अभी भी हम बोलचाल में अर्थशास्त्री कहते हैं, जबकि अब वो भी एक तरह का विज्ञान मान लिया गया, कम से कम समाज वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? एक तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या इसलिए कि अब ज्ञान का जो केंद्र है वो विज्ञान, अब विज्ञान से अगर कोई चीज सिद्ध न हो, यानी नेचुरल
साइंसेज से अगर कोई चीज़ से देना हो, और नेचुरल साइंसेज की जो प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को कुछ उनको मॉडल बना करके और कुछ निष्कर्ष समझा निकालें, अपनी अपने प्रवृत्ति को उनके मॉडल पर ना आधारित करें, तब तक हमारा अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा, और तब तक जो कुछ हम करना चाहेंगे उसको विज्ञान नहीं कहा जा सकेगा। तो दर्शन शब्द की प्रतिष्ठा थोड़ी कम होती चली गई और विज्ञान शब्द की प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ती चली गई। अब भारतवर्ष में तो हमारी परंपरा में विज्ञान शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण था प्रारंभ से ही। अगर आप बौद्ध दर्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक विज्ञानवाद नाम का सिद्धांत है। अगर आप उपनिषद दर्शन में जाएंगे तो वहाँ जो चेतना का विकास होता है, उस चेतना के विकास की जो जो उसके लिए उच्चावच क्रम उसका जो बनता है, उसमें विज्ञान एक बहुत ऊंचे स्तर पर आता है। लेकिन वहाँ विज्ञान का नेचुरल साइंसेज या प्राकृतिक विज्ञान से नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना से है। तो एक प्रकार से अब हम जब विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, उसका मैं बता दूँ आपको, श्री अरविंद ने उसका बहुत अच्छा विवरण दिया है कि मनुष्य का जो जीवन है या पूरा जीवन जो है, वो पहले एक अन्नमय कोष के रूप में व्यक्त होता है, जिसका तैतरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है कि वो अन्नमय कोष है, यानी वानस्पतिक जीवन सबसे पहले विकास की प्रक्रिया में वानस्पतिक जीवन आता है। उसके बाद में प्राणमय कोष है, जिसे एनिमल लाइफ कहते हैं, वो आती है उसके बाद में। उसके बाद में मनोमय कोष है, जिसका तात्पर्य जो आज ह्यूमन बीइंग है वहाँ तक आता है। इस मनोमय कोष के बाद में, क्योंकि मन में तो विकल्प संकल्प कई चलते रहते हैं और वाद विवाद भी होते रहते हैं, द्वंद्व भी बने रहते हैं, इन सभी द्वंद्वों को पार कर करके जब हम सत्य की प्राप्ति करते हैं तो वो विज्ञानमय कोष है। और उस विज्ञानमय कोष के बाद तो आनंदमय कोष, मतलब वो फिर जिसे पिछले सत्र में मैंने मुक्ति उक्ति कहा, वो सब है। तो और वो कोई आध्यात्मिक मुक्ति नहीं, मनुष्य पूर्ण अपने आप को स्वतंत्र मुक्त अनुभव करे, उसका उस अर्थ में है। तो ये एक प्रकार से एक लैडर है, एक तरह का सीढ़ी है जिस पर विकास का क्रम चलता है। अब ये तो यहाँ, लेकिन विज्ञानमय कोष का या विज्ञान शब्द के अर्थ बिल्कुल अलग है, उन अर्थों में नहीं है जिनमें हम आज उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसको प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको हम लागू करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक, जिसे आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जब हम उस पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा उसका बदल देते हैं। किसी भी प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है, किसी भी प्रकार की एक व्यवस्थित प्रक्रिया से जो प्राप्त किया गया वो विज्ञान है, लॉजिकल प्रोसेस से, एक तर्कसम्मत प्रक्रिया से जो प्राप्त किया गया वो विज्ञान है, इत्यादि कर देते हैं। लेकिन मुझे कई दफा ये लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सामाजिक विज्ञानों का प्रयोजन क्या है, क्योंकि जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक पारंपरिक दर्शन का जब स्टडी की जाती है, एक को हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया उसको ज्ञान मीमांसा, जिसे सामान्यतः एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। दूसरे को कहा गया तत्व मीमांसा, जिसे आप ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स कह सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑन्टोलॉजी ज़्यादा सही शब्द है मेटाफिजिक्स की तुलना में, क्योंकि उसमें एक थोड़ी आध्यात्मिक ध्वनि आती है, मेटाफिजिक्स में बियॉन्ड फिजिक्स की ध्वनि आती है। लेकिन ये एक प्रकार से ऑन्टोलॉजी जो है, क्योंकि कई तरह के ऐसे भी दर्शन हैं जो कि आध्यात्मिक नहीं है, उनकी कोई मेटाफिजिक्स नहीं, उनकी ऑन्टोलॉजी होगी। और फिर उसके बाद में एक तीसरा जो है वो है टीडियोलॉजी, यानी इसका उसकी नीति मीमांसा क्या है या मूल्य मीमांसा क्या है, इसको हम टीडियोलॉजी कहते हैं, प्रयोजन मूलकता उसकी क्या है। क्योंकि ये होता है कि ज्ञान की मीमांसा को आदमी कहते हैं, एक तरह की थ्योरी ऑफ नॉलेज है, किन साधनों से आप ज्ञान बरामद करते हैं और कैसे बरामद करते हैं, ये ज्ञान मीमांसा के विषय की बात है, उसके क्षेत्र की बात है। फिर आप क्या प्राप्त करते हैं, वो क्या है सत्य का या तत्व, जो आपने प्राप्त किया उसका रूप क्या है, ये उसकी उसका तत्व क्या है, तो ये तत्व मीमांसा के क्षेत्र की बात है। और फिर अगर ये तत्व है, अगर ये सत्य है, तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यानी हमें आप क्या करना चाहिए, हमारा आचरण, हमारा निजी आचरण और हमारी सामाजिक संस्थाओं का आचरण, हमारी सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का आचरण कैसा होना चाहिए, ये फिर उसके आधार पर तय होता है। इसको मूल्य मीमांसा कहते हैं, यानी एक तरह का प्रयोजन हमारे जीवन को जो मूल्य देता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या विज्ञान का की एपिस्टेमोलॉजी तो है और एक तत्व मीमांसा भी है,
लेकिन क्या उसकी कोई मूल्य मीमांसा हो सकती है? अगर आप विज्ञान से कोई मूल्य बरामद करते हैं तो वो मूल्य क्या विज्ञान के द्वारा प्रदत्त है या वो मूल्य कहीं आपकी चेतना से उत्पन्न है जिसकी सिद्धि आप विज्ञान के द्वारा करना चाहते हैं, जिसका प्रमाण आप विज्ञान के द्वारा जुटाना चाहते हैं? क्योंकि विज्ञान केवल तथ्यों का विवरण देता है। ये एक सोचने की बात है, विज्ञान आपको बताता है कैसे ये होता है, कोई जो घटित होती है घटना वो कैसे घटित होती है, वो क्यों घटित हुई, क्यों को अगर आप कैसे में कन्वर्ट कर देंगे तब तो ठीक है क्यों और कैसे ही हो जाएंगे, लेकिन क्यों का मतलब अगर प्रयोजन है तो ये किस प्रयोजन से घटित हुई, किस लिए आपने ऐसा किया। आपसे जब ये पूछा जाएगा आप वहां क्यों गए तो ये नहीं पूछा जाता कि आप कैसे गए, ये क्यों और कैसे का भेद समझ लीजिए। सामान्यतः हम दोनों शब्दों को कई बार एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप वहाँ कैसे गए, आपसे पूछा जाता है आप क्यों गए, यानी पर्पज क्या था जाने का, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था जाने का, यानी कोई आपने सोचा होगा कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, वह वहाँ जाके क्या मिलेगा या क्या करूँगा इत्यादि। तो ठीक इसी प्रकार से जो घटनाएँ घटित होती हैं प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में उनके साथ ही क्यों का सवाल नहीं उठता है। अगर कैसे का सवाल उठता है, एक भूकंप आ गया, हम पूछते भूकंप क्यों आ गया, तो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि भूकंप कैसे आ गया, भूकंप आने का कोई प्रयोजन था आपके जीवन को नष्ट करना या दुनिया में कुछ तोड़फोड़ करना, ऐसा आप प्रकृति को नहीं कह सकते, उसके प्रकृति का जो स्वभाव है उसके मुताबिक कुछ हुआ है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम उन घटनाओं का विवरण देते हैं, वो कैसे घटित हुई इसका विवरण देते हैं, और उसके पीछे कोई एक नियम काम कर रहा होता है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भी भूकंप क्यों आ जाते हैं तो हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आ जाते हैं। कोई भी घटना विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि नेचुरल साइंसेज के क्षेत्र में, प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में होती है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या नियम काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान का काम जो है वो प्रकृति के नियमों को जानना है, प्रकृति के नियम क्या है इनको जानना है। वे नियम क्यों हैं इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, इसका उत्तर किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के पास में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र से बाहर की चीज है। जब आप क्यों की बात करने लगते हैं, प्रयोजन की बात करने लगते हैं, तो प्रयोजन का संबंध जो है या तो आप ये मान के चलेंगे कि उन सबके पीछे कोई चेतना है, ये जो कुछ हो रहा है जो प्रक्रिया चल रही है उस सबकी पृष्ठभूमि में कोई एक चेतना काम कर रही है, तो उसका एक पर्पज हो सकता है। जैसे लोग मानते हैं ईश्वर क्यों, सृष्टि क्यों बनाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक चेतना उसके पीछे है जो ये काम कर रही है। पर जब हम ये मानते हैं कि एक चेतना उसके पीछे काम कर रही है तब हम प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उस चेतना को अभी तक प्राकृतिक विज्ञानों के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सका। हम उसको फिर मान के चलते हैं प्रायरी कंडीशन की तरह से, कभी रही होगी कुछ है तो ये सब हो रहा है तो कुछ तो होगा उसके पीछे, कोई तो फर्स्ट मूवर होगा। तो ये जो फर्स्ट मूवर की कल्पना है जिसे आप ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, कोई नाम उसको दें, ये जो एक परम चेतना कहें, ये जो कल्पना है ये कल्पना एक प्रकार से हमारी कल्पना है जो प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र से बाहर चली जाती है, उसकी प्रक्रियाओं से बाहर चली जाती है, ये किसी लेबोरेटरी से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एक बार बहुत से आप जानते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो कई बार बड़ी आध्यात्मिक बातें करते हैं, कहीं उनको लगता है कि हाँ कोई चीज कोई है इसके पीछे, कुछ वैज्ञानिकों को भी लगता है, पर ये लगना उनका ख्याल है। ये सब लगने के बावजूद भी जो कुछ सिद्ध वो करते हैं वो लेबोरेटरी से ही करते हैं, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो ख्याल है उनका ये बना होगा, एक इमेजिनेशन में रहा होगा उनके, ये इमेजिनेशन अभी तक सिद्ध नहीं है। सिद्ध जो कुछ हुआ है वो केवल प्रकृति के नियम सिद्ध हुए हैं, उन्हीं की चर्चा वो करते हैं और वहीं उनको वैज्ञानिक माना जाता है, वहीं तक वो वैज्ञानिक है। अभी तो कोई भी आदमी वैज्ञानिक भी मनुष्य होता है तो कुछ अच्छी बुरी बातें सोच सकता है, तो वो भी सोचते होंगे, कुछ इमेजिनेशन कर सकता है, वो भी करते होंगे, लेकिन देखिए वैज्ञानिक के द्वारा की गई कल्पना तभी वैज्ञानिक होती है जब वो लेबोरेटरी से या प्रयोग से सिद्ध होती है, नहीं तो वही कल्पना रहती है और हम उसको कल्पना की तरह स्वीकार कर सकते हैं, उसको तब तक हम प्राकृतिक विज्ञानों का अंग नहीं मान सकते, उसका हिस्सा नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ
कि ये जो प्राकृतिक विज्ञान है ये क्या इनके दर्शन को या इनकी जो प्रविधि कहा जाता है, जो प्रक्रिया कहा जाता है, क्या उनको हम उन सिद्धांतों पर लागू कर सकते हैं, उन प्रक्रियाओं पर लागू कर सकते हैं कहना चाहिए जो प्रक्रियाएं इनके क्षेत्र से बाहर की है। ये सवाल उठता है फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंसेज को लेकर के कि क्या हम इन उनको इस पर लागू कर सकते हैं और क्या वो लागू करना पूर्णतया उचित होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आंशिक औचित्य भी उसका रहे। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, ये माना गया कि प्रकृति में एक डायलेक्टिक्स काम करती है, एक नियम लॉ ऑफ नेचर है, एक द्वंद्वात्मकता काम करती है, जिसे नेगेटिव पॉजिटिव हम कहते हैं, द्वंद्वात्मकता काम करती है और उसके कारण से सारे परिवर्तन प्रकृति में जो कुछ होते हैं, जो कुछ नया रचा जाता है, वो उन दोनों के इंटरेक्शन से कुछ आगे की चीज़ बनती है। अब ये प्रकृति का नियम एक लॉ ऑफ नेचर की तरह से हमारे सामने आया। इस लॉ ऑफ नेचर को लेकर के और एक बड़े दार्शनिक ने मानव क्षेत्र में द्वंद्वात्मकता की, मानव चेतना के क्षेत्र में द्वंद्वात्मकता की कल्पना की और ये कहा, जैसे हेगल ने कहा कि ये पूरे इतिहास में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया चलती है, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ाई होगा सबने, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया है कि ये दो चीज़ें काम करती है, फिर एक नई चीज़ पैदा होती है, फिर उसका नेगेटिव आता है, उनमें फिर इंट्रैक्शन होता है, फिर उससे एक नई चीज़ पैदा होती है, ये एक प्रक्रिया है। और फिर वो ये मानते हैं कि इस प्रक्रिया में पूरा इतिहास मनुष्य का इसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से चलता आया है। लेकिन हेगल वहाँ ये मानते हैं कि इसके पीछे एक आइडिया है, आइडिया का मतलब यहाँ तो विचार से नहीं है, एक चेतना से, कि यहाँ एक चेतना है उसके पीछे जो अपने को मैनिफेस्ट करती है इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, इतिहास में उसकी अभिव्यक्ति होती है और सारा इतिहास उस एक आइडिया को पूर्णत्व की ओर ले जाने का, पूर्ण उसका मैनिफेस्टेशन हो सके इसकी ओर ले जाने का प्रयास है। तो सारा इतिहास उस गति में, उस दिशा में जाने की